ओके, टेक आउट योर ईवीएस बुक्स एंड कॉपीज। ईवीएस की कॉपी और बुक ओपन करिए। कल जिसमें हम लोग लिख रहे थे ना, एयर एंड वाटर वाला चैप्टर, यस हाँ, तो वाली कॉपी ओपन करिए। व्हाट इज द डे टुडे? आज 8 है, आज 9th नहीं है। यस, और डे कौन सा है? लाल वाला। अलीजा बेटा, आपके माइक पे प्रॉब्लम है, आप अपना माइक म्यूट रखिए। मैम पेज नंबर बता दीजिए। एक मिनट बेटा, पेज नंबर 3939। हम लोग पहले बुक फिल करेंगे, ठीक है? पेज नंबर 4141 ओपन कर लीजिए। हम लोग एयर एंड वाटर चैप्टर का पहले ये फिल करेंगे जो बुक में है, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? वी कैन ओनली डैश द एयर। वी कैन ओनली, मैम कॉपी में लिखना है बेटा, ये बुक में भरना है, जो बुक में दिया हुआ है ना, ये भरने वाला बुक में भरना है। इसके बाद हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। वी कैन ओनली डैश द एयर, बताइए। कौन बताएगा पहला वाला? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग इतना लेट क्यों लगता आते हैं आने में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं बेटा? 8 o'clock की क्लास है, आप लोग 8:10 पे आ रहे हैं। बेटा मैं तो 8 बजे से आके बैठी हूँ, आप नहीं आए थे। इनहेल होगा। यस, वेरी गुड। वी कैन ओनली इनहेल द एयर, INHALE, इनहेल, INHALE। ऊपर स्पेलिंग दी होगी। सेकंड वाले का क्या होगा? सेकंड वाले का क्या होगा? एयर हेल्प्स इन, क्या मैंने बताया था? एयर किस चीज में हेल्प करता है? बर्निंग में। यस, नंबर 4 क्या होगा? डैश इज यूज टू वॉश क्लोथ। क्लोथ धोने के लिए क्या यूज किया जाता है? सटा के ही लिखिए। वाटर। यस, और वी कैन गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? कल बताया था ना मैंने, पानी कहाँ से मिलता है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला, टेक द राइट आंसर। टेक द राइट आंसर में पहला वाला, वी कैन नॉट सी वाटर एयर मिल्क। हम क्या नहीं देख पाते हैं? वाटर एयर या मिल्क? वेरी गुड आराध्या। तो एयर को चेक करिए। तो बेटा यहाँ बुक में ऊपर सब दिया हुआ है, यहाँ ऊपर सब दिया हुआ है बुक में। नंबर 2,
बेटा कौन इतना शोर कर रहा है? अगर आप लोग ही इतना बोलेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना क्या है। आरुष के यहाँ से बहुत आवाज आती है। सेकेंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू वी नीड फॉर वाटर? हमें वाटर का यूज हम किस एक्टिविटी में करते हैं? टीवी देखने में, जंपिंग करने में, या फूड कुकिंग करने में? क्यों बेटा आराध्या? बेटा यहाँ सब लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखी हुई है स्पेलिंग, आप यहाँ से देख के भी लिख सकती हैं। ओके, किस एक्टिविटी में पानी का यूज होता है? टीवी देखने में, जंपिंग में, या कुकिंग फूड? बताइए। एयर पे टिक करना है, दूसरे वाले में कुकिंग फूड पे टिक करना है। थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? इन तीनों में से कौन सा पानी का सोर्स नहीं है? वॉल, वेल, या रिवर? कौन बताएगा? वेरी गुड, वॉल। तो वॉल पे टिक करिए, देखिए ऐसे करना है। अब तनु को समझ में आया कैसे करना है? तनु ने ओ करके किया। हो गया सबका ये? ओके, नाउ कौन ओपन करिए अपनी? डेट डालिए आज की कॉपी में। मैम कॉपी में? हाँ बेटा कॉपी में। सबने कॉपी ओपन कर ली? यस मैम, कॉपी निकाले। हाँ बेटा कॉपी निकालना है। कौन सी मैम? ईवीएस की बेटा, ईवीएस की बुक में हम लोग अभी काम कर रहे थे ना, तो ईवीएस की कॉपी निकालेंगे। इन द ब्लैंक्स, F I double L fill, I N in T H E the B L A N K S blank. इतना लोग क्यों कर लेती है? नहीं जाने हेलो नहीं
डबल एस यही लिखो एफ आर बर्निंग क्या होता है दूसरा हिंदी रख दिया करे ऐसे गोला बनाते No, yes, yellow W, दूसरा डालो पहले आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक है? किसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? वो तो लिख दिया है माई पे थर्ड वाले में क्या आरुष आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है बेटा थर्ड वाला क्या था निष्ठा छोटा
बेटा बोर्ड छोटा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि आपने दो तीन लोगों को ओपन किया होगा, सिर्फ जो डिवाइन हर्ट से आ रहा है उसको बड़ा करिए डबल क्लिक करके, बाकी सब छोटा रहने दीजिए। अब दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे समझ में वैसा नहीं is the ये कर दे रहा बार बार कर अरे इसके माइक हो गया ना m a n n हो गया जल्दी करिए राजा, आप इतना नहीं आ रही मैं जल्दी नहीं टूट जाएगा आई बना दो लिख लिया U-Q-R-C-E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 -R-
बाकी सबका हो गया? माइक ऑन करके सब लोग बताइए। पहले वाले का गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, इसका आंसर क्या होगा? Air is necessary for burning. Slow moving air is called breeze. B R. कल हमने हार्डवर्ड में लिखा था, breeze की स्पेलिंग बताइए। कोई आंसर नहीं कर रहा है, सब बहुत बैड गर्ल और बैड बॉय हो गए हैं। दिखाई नहीं रहा है क्या लिखा? B R W U Z E बेटा, U नहीं है, breathe. B R E Z E breathe. लेकिन ठीक है, तनिष्ठा ने कम से कम आंसर किया, very good तनिष्ठा। बाकी सारे बच्चे कोई आंसर नहीं करा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में कई तरह की गैसेस होती हैं। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, किसी को पता है इसका आंसर? जी ए एस ई एस। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड तनिष्ठा। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, अगर रेन नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, इसलिए रेन जो है वो मेन सोर्स है वाटर का। मैंने बताया था ना क्यों? क्योंकि जो रेन होता है तो वही पानी सबके घर में जाता है। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू लिव। ऐसे ही कर रहे हो फिर स्लैप करिए। ऑलवेज वाटर, always drink clean and pure water.
वाटर वाटर डब्ल्यू पढ़ो W-A-T-E-R वाटर वेरी गुड टू टी ओ आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है अरे वाह प्रिंसी ओके एक काम करिए सारे बच्चे जो हैं वो अपने नाम का वेट करेंगे प्रिंसी के बाद में जिसका जिसका नाम लूंगी वो अपनी कॉपी दिखाएगा बीच में कोई नहीं बोलेगा कि मैम आरुष्का हो गया मैम इसका हो गया उसका हो गया मैम को पता है सबका हो गया लेकिन अपनी टर्न का वेट करिए आपने गुड हैबिट वीक में सीखा है ना जब मैंने प्रिंसी का नाम लिया है तो मैं प्रिंसी का देखूंगी उसके बाद जिसका जिसका नाम लूंगी उसका उसकी कॉपी देखूंगी बीच में कोई नहीं बोलेगा ओके यस हाँ प्रिंसी बेटा प्रिंसी लाइन जो है ना फिल इन द ब्लैंक की उसको टेल से खींच लिया करिए लेकिन प्रिंसी ने बहुत सुंदर लिखा है वेरी गुड प्रिंसी All living things need water to live. Always drink clean and pure water. ठीक है प्रिंसी देख लिया मैंने वेरी गुड वेरी गुड प्रिंसी बेटा नेक्स्ट टाइम से जो ये वाली लाइन आप खींचती है तो वो स्केल से खींचा करिए ठीक है जैसे जो फिल इन द ब्लैंक की ये वाली लाइन होती है ना अब मैम के पास तो बोर्ड पे स्केल नहीं है इसलिए मैम पेन से खींच देती है आपके पास स्केल है तो आप स्केल से खींचा करिए ठीक है तो सीधी सीधी लाइन रहेगी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं रहेगी ठीक है प्रिंसी हाँ यस मैम अब तनिष्का का हो गया खेल रखी है ना तनिष्का का वर्क हो गया हाँ दिखाइए तनिष्का कॉपी क्या हुआ तनिष्का कॉपी शो करिए ओके तब तक किसका वर्क हो गया बताइए मैम अलीजा खान अलीजा खान का हो गया एक मिनट और पास करिए कॉपी बेटा सीधी करिए अलीजा थोड़ी और पास कॉपी लाइए बेटा दिख नहीं रहा है वेरी गुड अलीजा अलीजा आप भी जो लाइन होती है उसको स्केल से खींचा करिए ठीक है बेटा बहुत सुना अलीजा ने खुद से लिखा है ओके तनिष्का अब आप वेट करिए अपनी टर्न का एक बार आपकी टर्न आ चुकी है अब सबकी आएगी सब आएगी अलीजा ने खुद से लिखा है यस मैम बहुत अच्छी राइटिंग है अलीजा की तो सिया का हो गया सिया शो करिए और आगे लाइए बेटा कॉपी ओके अरे वाह सिया वेरी गुड लेकिन सिया आप भी सारे बच्चे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन होती है उसको स्केल से खींचा करिए तभी आपकी लाइन सीधी आएगी ओके वेरी गुड सिया भी बहुत गुड गर्ल है बहुत अच्छे से क्लास करती है कंप्लीट करती है वेरी गुड सिया मैंने देख लिया आप कॉपी नीचे रख लीजिए अब कौन दिखाएगा तनिष्का मैम मेरा
ओके बात करिए बेटा ओके। अरे वाह तनिष्का, लेकिन तनिष्का के नीचे वाला वर्क लगता है उसकी मम्मा ने किया है। क्यों तनिष्का नीचे वाली राइटिंग तो तनिष्का की नहीं लग रही है। ओके राध्या वेट करिए। तनिष्का थोड़ा सा मम्मा ने लिखा है ना तनिष्का का वर्क। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तनिष्का ने खुद से भी लिखा है। वेरी गुड वेलकम। यस तनिष्का मैंने देख लिया बेटा, रख लीजिए। वेरी गुड आराध्या बेटा, मैंने अभी आपको समझाया है ना कि आपका जो नाम लिया जाए तो बोलिए। ऐसे मैम बोल रही है, आप भी उसे बोलेंगी तो गलत बात है ना। चलिए आराध्या शो करिए कॉपी, दिखाइए आराध्या अपनी कॉपी और आगे लाइए। हाँ वेरी गुड आराध्या की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। सारे बच्चों की धीरे धीरे राइटिंग बहुत सुंदर हो रही है। वेरी गुड आराध्या। क्लियर इज आरुष, अभी मैंने वही चीज आराध्या को समझाई, आप मेरी समझा रहे हैं। मैंने कहा है मैं जिसका नेम लूंगी सिर्फ उसी का देखूंगी। अब आरुष की टर्न सबसे लास्ट में आएगी क्योंकि आरुष बीच में शोर कर रहे थे। अब मुझे शशांक शो करेंगे क्योंकि शशांक बहुत क्वाइटली बैठे थे एक बार बोलने के बाद। शशांक बेटा कॉपी नीचे करिए थोड़ी, ऐसे नहीं दिखता है। अरे वाह शशांक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब कौन दिखाएंगे? आरव दिखाएंगे। आरव सबसे गुड बॉय है, उन्होंने बीच में एक भी बार नहीं बोला, मैम की बात सुनी। सब लोग आरव के लिए क्लैप करिए। सबकी आवाज आई मुझे, लेकिन आरव की एक भी बार आवाज नहीं आई। वेरी गुड आरव। मैम मैं शो कर रहा हूँ। हाँ आरव देख रही हूँ मैं। थोड़ा और फोन को पास में ले जाइए बेटा कॉपी के। हाँ वेरी गुड, ठीक है बेटा। ठीक है देख लिया मैंने आ रहा। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, देख लिया मैंने। दिखाइए बेटा कॉपी, थोड़ा पास लाइए फोन। हाँ बस बस ठीक है। ओके वेरी गुड, अंशिका की भी राइटिंग बहुत सुंदर है। सारे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है। वेरी गुड अंशिका। परवरिश बेटा आप कहाँ क्लास बार बार ओपन और क्लोज जा रही थी आपकी? आपका नेटवर्क नहीं है सही? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। ओके आपने वर्क कंप्लीट किया है या नहीं हुआ आपका वर्क कंप्लीट? नेट में ही लग रहा है प्रॉब्लम। आपके नेट में ही प्रॉब्लम है परवरिश, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अच्छे से। और वन यस मैम, यस वन शो करिए। आंडा आप भी शो करिए। ओके वेरी गुड वंश। आन्या बेटा सिर्फ आपकी फोटो आएगी तो अच्छा रहेगा ना, सबकी फोटो ना आए वीडियो में। थोड़ा और आगे लाइए कॉपी। ओके गुड आन्या। तनु तनु बेटा मैथ्स की कॉपी में रोज क्यों वर्क करते हैं?
चलिए गुड ठीक है, लेकिन मैथ्स की कॉपी में वर्क नहीं करना, ईवीएस की कॉपी में करना। एक साइड प्लेन एक साइड इंग्लिश वाली, ये 1-2 की कॉपी है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसमें मत करिएगा। ओके अब सबका वर्क मैंने देख लिया, किसी का बचा है? आयुष कुमार, हाँ ठीक है बेटा, गुड देख लिया मैंने। आयुष कुमार का भी वर्क देख लिया मैंने। आयुष कुमार रावत, ठीक है बेटा देख लिया, गुड। आयुष देख लिया मैंने, सबका देख लिया।